सर हम बात करेंगे हाई स्ट्रीट के हाई क्वाइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करेंटली 0.1.19 यूएसडी पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे डाउन ट्रेंड, एक अच्छे डिप के अंदर वापस से इस क्वाइन के प्राइस में देखने को मिल रही है और वापस से एक बहुत अच्छी अपोस्ट इस क्वाइन के अंदर निकल के आ रही है। जो भी इस क्वाइन में एंट्री देख रहे हैं उनके लिए बात करेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बना रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 1.19 यूएसडी पर आप ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, कल से अभी तक थोड़ा सा इसके प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है। 4 आवर के चार्ट में देखें तो रिसेंटली एक अच्छा खासा मूवमेंट इसके प्राइस में देखने को मिला था। अक्टूबर स्टार्टिंग में इस कॉइन ने 1.4 यूएसडी का राउंड ट्राई किया था, उससे पहले भी यहाँ पर सेप्टेम्बर मंथ में भी इस कॉइन ने अच्छे खासे लेवल्स को ट्राई किया था, 1.4 तक प्राइस गई थी, वहाँ पर स्टेबिलिटी भी थी। डेली के चार्ट में अगर देखें तो अगस्त मंथ में इस कॉइन ने 0.95 वाला लो बनाया था और 1 USD का राउंड में इसकी प्राइस में स्टेबिलिटी देखने को मिली थी। 1 USD वाला जो लेवल है, 1.1 USD वाला लेवल इस कॉइन के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, जिससे ऊपर उस टाइम पे ऑलमोस्ट ये मेंटेन था, थोड़ा बहुत नीचे हमें डेली क्लोजिंग एक आध कैंडल में देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल इस कॉइन ने उस लेवल को मेंटेन रखा और 1.1 USD वाला जो लेवल है वो ऑलमोस्ट ये कॉइन 1 ईयर से मेंटेन किए हुए, यानी कि जब भी प्राइस में ड्रॉप होता है ये कॉइन ऑलमोस्ट 1.1 USD वाले लेवल को सपोर्ट बनाता है। इस लेवल से हमें प्राइस नीचे देखने को नहीं मिलती। यहाँ भी अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट जुलाई मंथ, जून मंथ वाला लेवल है, जहाँ पर हमने जून मंथ में लो देखा था, जून मंथ में हमने BTC और दूसरे कॉइन्स में डंप देखा था, तो वहाँ पर भी इस कॉइन ने 1.1 USD वाले लेवल को एज अ सपोर्ट बनाया था और वहीं से हमने मूवमेंट देखा, 1.56 तक प्राइस गई थी। उस टाइम पर भी हमने इस कॉइन में 26 ऑफ जून को एक अच्छे खासे लेवल 1.3-1.2 पर एंट्री लेकर के, और ये जो 1.56 वाला ब्रेकआउट था जो कि जुलाई के स्टार्टिंग में हुआ था, हमने इसको ग्रेप किया था, हमने वहाँ पर 1.5 USD वाला लेवल आपको टारगेट बताया था 26 जून को, प्रॉफिट जनरेट किया, सेकेंड टाइम वापस मूव किया, वापस इस कॉइन ने हमें सेकेंड बार अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। फिर इस कॉइन में अगस्त मंथ के अंदर अपोस्टी थी, हमने अगस्त मंथ में आपको 26 अगस्त को बहुत अच्छे लेवल पर एंट्री शेयर की थी 1.1 USD वाले लेवल पर, और यहाँ पर इस कॉइन ने 1.1 USD वाले लेवल को मेंटेन किया। टारगेट हमने उस टाइम पर आपको बताए थे 1.3 और 1.4 ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, जिसको इस कॉइन ने हिट किया था, वहाँ से मूव किया और सेप्टेम्बर के स्टार्टिंग में 8 to 10 days बाद इस कॉइन ने फर्स्ट टारगेट हिट किया, फिर थोड़ा सा स्टेबिलिटी थी और फिर नेक्स्ट अभी सेप्टेम्बर के मिड में इसने प्रॉफिट हमने उसमें बुक किया, इसने सेप्टेम्बर के मिड में सेकंड टारगेट हमारा हिट किया, तो हमने अच्छा खासा प्रॉफिट इस कॉइन में जनरेट किया। और जब जब इस कॉइन में पोस्टी रहती है हम आपको इस कॉइन के लेवल शेयर करते हैं। अभी वापस हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है, हालांकि यहाँ पर एक अच्छा खासा लेवल है 1.2-1.15, वापस हमारे पास एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ अगर हम वीकली में देखें, वीकली के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट जो लेवल है 1.1 USD, वीकली के अंदर भी इस कॉइन को 1.05 वाला जो लेवल है वो वीकली के अंदर भी इस कॉइन को एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया 1.05 वाला लेवल, और ऊपर की तरफ वीकली में अगर बात करें हम तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से ये कॉइन जो है वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है, जो कि है 1.35 वाला लेवल। इस लेवल से ये कॉइन बार बार रिजेक्ट हो रहा है, पहले भी हमने इस लेवल से रिजेक्शन देखा था जो कि जब दिसंबर मंथ था, दिसंबर से पहले वाले मंथ में इस कॉइन ने उस लेवल को ट्राई किया था, लेकिन वीकली क्लोजिंग जो है उससे ऊपर देखने को नहीं मिली, और जब वीकली क्लोजिंग 1.35 से ऊपर हुई तो इस कॉइन ने अच्छा खासा मूव लिया और 4.7 USD तक हिट किया था। ये बात है दिसंबर मंथ के लो के बाद जनवरी और फरवरी मंथ की, उस टाइम पर भी हमने इस कॉइन में 0.90 वाले लेवल पर एंट्री लेकर के ये जो 4 USD वाला ब्रेकआउट है इसको ग्रेप किया। तो हालांकि हमारे एक चैनल के थ्रू आप बहुत अच्छा रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करते आए हैं, अभी भी हम आपको रेगुलर अच्छे कॉइन्स शेयर करते हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना। देखिए हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, वो शायद वीडियो को थोड़ा बहुत देखने के बाद ही कमेंट कर देते होंगे, प्रॉपर वॉच नहीं करते।
वीडियो में हम आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताते हैं, कॉइन का एनालिसिस बताते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है, प्रीवियसली इस कॉइन ने किस टाइप से मूव किया है और किस लेवल से बार बार सपोर्ट बन रहा है, जहां से मूवमेंट के चांसेस, ताकि आपको कुछ सिनारियो क्लियर हो। आपको सिर्फ ये नहीं कि आपने बाई कर लिया और टारगेट बता दिए, फिर आपको ये नहीं पता कि ये कॉइन मूव करेगा नहीं करेगा, कब तक मूव करेगा, ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। अभी अगर बात करें तो मैक्सिमम जो प्राइस है वो 1.1 तक आ सकती है, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट ही है, लेकिन वहाँ तक भी जाती है उसके लिए भी हमारे पास स्ट्रेटजी, आपको बाय किस टाइप से करना है। 1.97 पर अभी ये कॉइन ट्रेड कर, 1.197 पर ट्रेड कर रहा है, आपको 1.2 से नीचे नीचे इस कॉइन में एंट्री लेनी है, यानी कि अगर आप थोड़ा बहुत लेट वॉच करते हैं तो भी अगर ये कॉइन 1.2 से नीचे मिलता है आप बाय कर सकते हैं। एंट्री आपको 70% पार्ट से लेनी है, जो भी अमाउंट आप इस कॉइन में लगाना चाहते हैं उसके 70% पार्ट से। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत करेक्शन होता है प्राइस में, जो लेवल है 1.1 वहाँ तक जाती है, तो आपको सेकंड बाय लिमिट 1.1 पर लगा के रखनी है, जो रहेगी आपकी 1.1 USD वाले लेवल पर 30% पार्ट से। इस टाइप से आपको 70-30 के रेशो में इस कॉइन में 1.19 और 1.1 पर एंट्री लेनी है। उसके बाद टारगेट्स की अगर बात करें तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री लेंगे, यानी कि क्विक प्रॉफिट जनरेट करने के पर्सपेक्टिव से, उनके लिए फर्स्ट और इमीडिएट टारगेट रहेगा 1.4 USD वाला लेवल, जहां पर आपको अपना 60% पार्ट सेल आउट करना है। सेकंड टारगेट रहेगा 1.5 USD वाला लेवल, जहां पर आपको बाकी 40% पार्ट सेल आउट करना है। इस टाइप से 60-40 के रेस्ट में आपको 1.4 और 1.5 वाले लेवल पर सेल करना है। इन लेवल्स की आपको जब आप बाई कर लेते, पहले तो आपको बाई लिमिट लगा देनी है, सेकंड लेवल की बाई लिमिट लगानी पड़ेगी, फर्स्ट लेवल पर आप अभी बाई कर लेंगे, उसके बाद जब बाय हो जाता है तो आपको प्रॉपर लेवल पर सेल लिमिट लगा देनी, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो मंथली बेसिस पर होल्ड करके 40-50% का प्रॉफिट टारगेट रखते हैं, उनके लिए 1.6 USD वाला लेवल टारगेट रहेगा, जहां पर आपको अपना 100% पार्ट सेल आउट करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म में 15-20 डेज से 1 मंथ होल्ड कर सकते हैं, तभी आपको वो टारगेट रखना है, नहीं तो आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वाले टारगेट पर ही सेल लिमिट लगानी है। इसके अलावा कुछ ऐसे बायर्स हैं, जो इन्वेस्टर ट्रेडर हैं, जो जल्दीबाजी में इस कॉइन को बहुत पहले के टाइम में बाई कर चुके हैं, करके रखा है 2 USD या 3 USD जनवरी फरवरी मंथ में जब थोड़ा बहुत ड्रॉप हो रहा था तब, तो अगर आपने बाई किया हुआ है, आपकी बाइंग 1.4 से ऊपर की है, तो जो भी आपकी बाइंग प्राइस है उस पर आपको सेल लिमिट लगा के रखनी है और पहले आपका अपना अमाउंट रिकवर करना है। और ऐसे जितने भी इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जो जल्दीबाजी करते हैं, जिनको नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप पे ज़रूर इनरोल करें। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियोस पे एजुकेशन पर्पस से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।